जो बेबी सुमो है छोटी सी। और नूर साहब जलंधर पंजाब से। हेलो सर। हेलो, हाउ आर यू? कैसे सर? सर मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो सर? आई लव यू टू सर। सर मैं बहुत तगड़ा फैन हूँ जी आपका। सर आप बहुत तगड़े हो सर। अरे सर मेरा बड़ा एक ड्रीम था जी आपको मिलने का। जी सर पूरा हो गया? पूरा हो गया। दो सेलिब्रिटीज हैं जिन्हें मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ, एक तो संजय दत्त जी 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 और एक सलमान खान जी। बहुत बहुत अच्छा टेस्ट है आपका सेलिब्रिटीज में। जब बच्चे को होश आती है तो वो अपने माँ बाप को देखता है, और जब मुझे होश आई मैंने टीवी पे आपको और दत्त साहब को देखा। अच्छा, तो आपके आपसे बढ़कर मेरे लिए कोई सेलिब्रिटी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसलिए कि हमारी धनाधन 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 पिक्चरें आती रहती हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जैसे जैसे बच्चों के होश आने लगते हैं वो टीवी देखते हैं और वो हमारे फैन बन जाते हैं। बिल्कुल जी, दूसरे एक्टर्स की तरह नहीं जो दो दो तीन तीन साल में पिक्चर करते हैं। सर ऐसे है कि मैं कुश्ती का बहुत शौक रखता हूँ, और मेरे वहाँ पे गांव है मेरा मिठापुर जी, जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता था। सब वो बोलते थे यार ये सलमान भाई कभी किसी को उठाते हैं, कभी किसी को उठाते हैं, और बहुत उठाते हैं, तो तू भी उठा सकता है। और मैंने उनसे बैट लगाई कि मैं जाऊंगा और सीधे अगर सलमान भाई के साथ मुलाकात हुई तो सलमान भाई को उठाऊंगा अपने कंधों पर। अरे मस्ती जामुन सी, तब के रे दर जल के, मस्तियों
just want to tell you one thing. इनका जो attitude है सर बहुत ही cool है. और ये मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि जो जो यहाँ पे गा रहा है, गा तो अच्छा गा लेते हो आप सब, लेकिन उसके साथ एक एटीट्यूड होना, उसके साथ एक रिदम होना, उसके साथ एक डांस करना, एक शोमैनशिप होना, वो बहुत जरूरी है. तो ये अगर आप ये खड़े खड़े इनका एक ग्रूव चलता है, बता दो क्या ग्रूव चलता है आपका. वो थ्री फोर वो मस्ती डाउन contestants. Thank you, Salman bhai. Please give him a big hand. Vishal. Truly, you're an amazing, amazing performer and an amazing artist. और आपने यहाँ माहौल जिस तरह बनाया है, okay? उस माहौल में शामिल होने के लिए मैं टिकट जरूर खरीदता. Thank you, sir. आपका attitude, आपका confidence, आपको बहुत दूर लेके जाएगा. लेकिन अगर दादर पाजी बनना है आपको, जो आपका ड्रीम है, जी जी, उसके लिए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. ऑल द बेस्ट टू यू. देखो आपके हीरो कौन कौन है और आप में वो कूट कूट के भरे हैं. मैं संजय दत्त, सनी देओल, बॉबी देओल, ये तो आपकी पर्सनैलिटी में दिखते हैं. ये चार के चार. आपकी पर्सनैलिटी में एक और आदमी को ऐड कर लो, इनको और एक और, ऋतिक रोशन. वो सब आपको. साजिद भाई, मेरे ख्याल से हरनूर तेरी एक गायकी जो है ना, तो एक दिशा के अंदर बहुत ही स्ट्रांग है. मेरी तेरी एज ए जज एक ही एडवाइस रहेगी कि उस दिशा को इस तरीके से मांझ लेना कि तेरे ऐसा कोई दूसरा ना हो. सत्य वचन सर. थैंक यू. मैं एक बात कहना चाहूंगा सर, वो मेरी सांस फूली थी सर थोड़ी. मैं समझ गया. अरे यार, सलमान भाई को उठाना और पहाड़ उठाना मेरे को उठाने वो. इसने ये काम तो तू गाने के बाद भी कर सकता. सबसे पहले मैंने उठाया सर. सर पहले किसी ने उठाया नहीं आपको? मेरे मुझे बहुत लोग उठा चुके हैं. लड़कों में नहीं. तुम्हारा परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग था. कोई कमी नहीं थी मेरे हिसाब से, तो मैं फुल मार्क्स देता हूँ आपको. वाह, आप जाइए आराम से बैठिए और एंजॉय करिए. भाई आप मुझे भूलना मत, कभी नहीं. ये भूलने लायक है भी नहीं. Honda Sarama Bhakti Hai.